अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऐसे परिंदे की जो कि इंसान को मार सकता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैसीवरी की। कैसीवरी शितरमुर्ग की तरह ही एक परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता। कैसीवरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक परिंदा जाना जाता है। इसे अपनी ख़तरनाक होने की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। जो कैसीवरी है, ये शितरमुर्ग से ही काफ़ी तालमेल रखता है। जो इसका ज़्यादातर खाना है वो फल वगैरह हैं। ये फल बहुत ही शौक से खाता है। सेब और आम वगैरह तो ये ऐसे साबुत ही निगल जाता है। अगर ये इंसान पर हमला करे तो सबसे पहले उसकी खाल निकालता है, फिर उसके जिस्म का हर एक हिस्सा तोड़ डालता है। कैसीवरी के जो अंडे होते हैं वो हल्के हरे और काले या नीले से रंग के होते हैं। मेल कैसीवरी ही ज़्यादातर अंडों को सेकता है। फीमेल का काम होता है सिर्फ अंडों को देना, उसके बाद मेल कैसीवरी का ही काम होता है। ज़्यादातर कैसीवरी अकेला ही रहना पसंद करते हैं। कैसीवरी सिर्फ तब ही इकट्ठे होते हैं जब मेटिंग सीज़न करीब आता है। मेल और फीमेल तब ही इकट्ठे होते हैं। कैसीवरी अपने अंडों का बहुत ही हिफाजत करते हैं। इसको सेकता भी मेल ही है और बच्चे पैदा होने तक मेल ही इसकी हिफाजत करता है। अंडों में से बच्चे तकरीबन 9 माह के बाद निकलते हैं। जो मेल कैसीवरी है ये फीमेल से थोड़ा कद में छोटा होता है, जबकि फीमेल कैसीवरी इससे बड़ी होती है। जो इसका लाइफ स्पेन है वो तकरीबन 50 साल तक का होता है। मेल कैसीवरी जो है अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करता है। जो कैसीवरी हैं ये एग्रेसिव होते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर इंसानों पे हमला नहीं करते, पर अगर हमला कर दें तो इंसानों का ज़िंदा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो कैसीवरी हैं इन्हें भी एंडेंजर स्पीशीज़ में रखा गया है, क्योंकि इनकी तादाद तेज़ी से दुनिया में कम हो रही है और कैसीवरी इसका शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।